एक वक्त की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत लंबी लंबी छोड़ता था। कुछ लोग तो उसकी बात पर एतबार कर लेते थे। अरे बीठे भाई, कहाँ से आ रहे हो? काफी परेशान नजर आ रहे हो। हाँ तो काम ही ऐसा करके आ रहा हूँ, परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ। ऐसा क्या काम करके आ रहे हो आप? भाई जंगल से गुजर रहा था तो मेरे सामने खट्टा कट्टा शेर आ गया। ओहो, अच्छा किया जो आप वहाँ से भाग आए। भाग आया? अरे तू पागल तो नहीं हो गया? पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है हम। मैंने शेर के जबड़ों में हाथ डालकर उसके मैदे के अंदर से उसका दिल बाहर निकाल लिया और शेर तड़प तड़प कर मर गया। वाह बेटे भाई, आप तो बहुत बहादुर हो। आज तक शेर किसी ने नहीं मारा और आपने शेर के मैदे में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लिया। मीठे भाई, आप जैसा बहादुर आदमी तो पूरे गांव में नहीं है। मीठा लंबी लंबी छोड़ रहा था और वो आदमी उसका यकीन कर रहा था। फिर जब मीठा घर आता है तो उसकी माँ कहती है, मीठे तुझे दही लेने भेजा था, इतना टाइम क्यों लगा कर आ गया तू? और दही कहाँ पर है? अम्मी जान, दही क्या खाक लेकर आता? रास्ते में शेर मिल गया था, उससे मुकाबला करता या दही लेकर आता? नहीं, जब भी तुझे कहीं भेजो तुझे शेर मिल जाता है, कभी चीता मिल जाता है, और कब तू पूरा नहीं करता। चल दही के पैसे वापस कर। अब्बू जान, मेरा मुकाबला शेर के साथ था, लड़ाई करते वक्त पैसे कब और कहाँ गिर गए पता ही नहीं चला। सुन ले बीठे की अब्बा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है इससे कोई चीज मत मंगवाया कर, ये पैसे लेकर जाता है, फिर इसका मुकाबला शेर और चीते के साथ हो जाता है और ये सारे पैसे खा जाता है। अब्बू जान, आप अपने बेटे पर शक कर रहे हो। मैं कोई 500 रुपए का भूखा नहीं हूँ। एक तो अब्बा तेरा बेटा शेर से मुकाबला जीत कर आया है, बजाय उसे बादामों वाला दूध पिलाने के तू उसको उसकी नजरों में गिरा रहा है। जो इंसान पहले से ही गिरा हुआ हो उसे और क्या गिरादा। मीठा ये बात सुनकर अंदर चला जाता है। मुबारक हो बेगम, हर बार की तरह इस बार भी दही के 100 रुपए बचा लिए मैंने। बहुत अच्छी बात है बीठे, ला 100 रुपए दे, मैं शाम में कत्थे वाला पान ला के खा पूंगी। ये क्या बात है बेगम, तूने किया था वादा, जो कमाएंगे वो होगा आधा आधा। चुप करके 100 रुपए इधर दे, अपने लिए और पैसे कमा किया, चल भाग जा यहाँ से। मीठा ये बात सुनकर घर से निकलता है और एक परचून वाली दुकान पर आता है। भाई जान, क्योंकि आप बहुत मसरूफ इंसान हैं और मैं इंतहाई वेला, अगर आपने कोई काम करवाना है तो बिला झिझक मुझे बता सकते हो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मीठे, मैंने बहुत जरूरी सामान लेने जाना था, सोच रहा था दुकान बंद करके चला जाऊं, लेकिन तू आ गया है, अब तो मेरा काम आसान हो गया। जी भाई जान, मैं पैदा ही लोगों की खिदमत करने के लिए हुआ हूँ, हुक्म करे क्या काम करवाना है आपने। मीठे काम कर, रंग वाली दुकान पर जा और 2 लाल रंग के डब्बे लेकर आ जा, मैंने घर में पेंट करवाना है। ठीक है भाई जान, आप मुझे पैसे दो, मैं अभी रंग के डब्बे लेकर आता हूँ। फिर मीठा उससे पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन शाम हो जाती है, वो वापस नहीं आता। ये मीठा अभी तक वापस क्यों नहीं आया? लगता है मुझे इसके घर जाना पड़ेगा। दुकानदार गुस्से में उसके घर आता है। हाजी साहब, तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? वो तो सुबह का घर से निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई वो मेरे से रंग के पैसे लेकर गया था, सुबह से शाम हो गई मगर अभी तक वापस ही नहीं आया। हाँ, रास्ते में उसे शेर मिल गया होगा ना, इसलिए वापस नहीं आया। क्या मतलब शेर मिल गया होगा? आपको खुद ही पता लग जाएगा, आप दुकान पर जाओ, वो दुकान पर खुद ही आ जाएगा, फिर उससे पूछ लेना। दुकानदार वापस अपनी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है तो कुछ देर बाद मीठा खाली हाथ वापस आ रहा होता है। मीठे, टाइम देख रहा है तू क्या हो रहा है और रंग के डब्बे कहाँ है? भाई जान, आपको क्या बताऊँ, मैं रंग के डब्बे लेने जा रहा था कि रास्ते में शेर मिल गया और उसने मेरे हाथों में पैसे देखकर मुझ पर हमला कर दिया। मगर शेर को पैसों से क्या लेना, वो तो गोश्त खाता है। भाई जान, आपको क्या पता,
आजकल के शेर गोश्त के कम पैसों के ज्यादा भूखे हैं। शेर ने मेरे हाथ में पैसे देखे और मुझ पर हमला कर दिया और मुझसे पैसे छीन कर खा गया। मुझे भी बहुत गुस्सा चढ़ा और मैंने उसके जबड़े तोड़ दिए। तो जबड़े तोड़ने से मेरे पैसे तो वापस नहीं आ जाएंगे ना, मुझे तो मेरे रंग के डब्बे चाहिए। ओ भाई, यहाँ पर मीठा एक शेर को पछाड़ कर आ रहा है और तुझे अपने पैसों की पड़ी है। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और दुकानदार हैरत से उसे देखता ही रहता है। ये आखिर माजरा क्या है? उसका बाप मुझे कह रहा था कि उसे शेर मिल गया होगा, अब ये भी कह रहा है कि मुझे शेर मिल गया था। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब इसके बाप से ही सारा माजरा पता करना पड़ेगा, मैं कल ही उसके पास जाता हूँ। वहाँ मीठा वो रंग के पैसे लेकर घर पहुँचता है। देख बेगम, पूरे 2000 रुपए की दिहाड़ी लगा कर आ रहा हूँ। अरे वाह मीठे, मेरे जानू 1000 रुपए मुझे भी दे दे मेरे प्यारे मीठे। बस बस, दही के 100 रुपए देते हुए तो तूने अपनी औकात दिखा दी थी, उनमें से तो तूने 50 रुपए भी नहीं दिए, तो अब मुझसे पैसे किस मुँह से मांग रही है? मीठे दे दे 1000 रुपए वरना मैं तेरे अब्बू को जाके बता दे बूंगी कि कोई शेर नहीं है, मीठा जानबूझ के पैसे बचाता है। ओ बेगम, क्यों तू अपनी और मेरी रोजी पर लात मार रही है? अच्छा ले ले मुझसे 1000 रुपए। ये हुई ना बात मीठे मेरे बंदे। वहाँ दुकानदार शाम में घर आता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है, अजी आप रंग के डब्बे लेकर नहीं आए, आज तो घर में रंग करवाना था। फिर वो दुकानदार उससे सारी बात बताता है, आपको किसने कहा था कि आप रंग के लिए उसे पैसे दो? बेगम मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उस पर एतबार किया। अच्छा भला दुकान बंद करके जा रहा था, ऐसे ही वो आ गया। मैंने कहा दुकान बंद करके जाने से बेहतर है इससे ही मंगवा लेता हूँ। ये सिर्फ उसकी चाल है पैसे हड़पने की, आप अभी उसके बाप से बात करो और उससे पैसे वापस लो। ठीक है बेगम, मैं उसके पास जाता हूँ। वो दुकानदार मीठे के पास जाता है और उससे सारा माजरा पूछता है तो वो उसे सारी बातें बताता है। अच्छा तो ये बात है, वो पैसे बचाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है? हाँ, हमने तो उससे जब भी कोई सामान मंगवाने के लिए भेजा है तो उसके सामने हमेशा शेर आ जाता है और वो शेर उससे पैसे छीन लेता है और मीठा उस शेर को मार कर भगा देता है। लगता है अब इस शेर का मसला हमेशा के लिए हल करना पड़ेगा। मैं अब जा रहा हूँ, कल सामान मंगवाने के लिए उसे बुलाता हूँ। ये कहकर दुकानदार वहाँ से चला जाता है और अंदर नसीबो और मीठे ने अब तक बहुत सारे पैसे जमा कर लिए होते हैं। देख ले बेगम, ये सारी मेरी मेहनत का कमाल है, बस इस तरह रोज शेर मिलता रहे तो अपने मजे हो जाएंगे। फिर अगले दिन वो दुकानदार पिंजरे में असल का शेर रखवा देता है और मीठे को अपनी दुकान पर बुलवाता है। मीठे, मैंने शहर से बहुत सारा सामान मंगवाना है, अगर तुझे शेर न मिले तो मैं तुझे पैसे देता हूँ। हाँ हाँ भाई जान, आप मुझे पैसे दें, अगर शेर मिल भी गया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, शेर से मुकाबला करने में तो मैं बहुत माहिर हूँ। चल फिर मेरे साथ चल, मैं तुझे पैसे उठा देता हूँ। मीठा उसके साथ चल पड़ता है और शेर के पिंजरे के पास आ जाता है। जा मीठे, अंदर पैसे पड़े हैं उठा ले। मीठा जैसे ही अंदर जाता है वो दरवाजा बंद कर देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये शेर का पिंजरा है, तू बहुत मुकाबला करता है ना शेर से, अब मैं शेर खोल रहा हूँ, इससे मुकाबला कर, मैं तेरे घर वालों को भी बुलाता हूँ। फिर उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। भाई इस शेर को मत खोले, मैं कोई शेर से मुकाबला नहीं करता था बल्कि पैसे बचाने के लिए ड्रामे करता था। कहाँ है सारे पैसे बता, वरना मैं शेर का दरवाजा खोल दूंगा। भाई घर में अलमारी है, उसमें से सारे पैसे निकाल लो, मगर मुझे छोड़ दो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस तरह मीठे को अच्छी सजा मिल जाती है।